हम महत्वपूर्ण परिपत्रक देख रहे हैं, ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। भारत सरकार वित्त विभाग से ये महत्वपूर्ण परिपत्रक है। ये परिपत्रक आठवें वेतन के बारे में वित्त मंत्री ने क्या जो प्रश्न के उत्तर दिए हम देख रहे हैं। ये परिपत्रक है 2 अगस्त 2022 का महत्वपूर्ण परिपत्रक है। इस परिपत्रक केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, वेतन भत्तों, पेंशन की समीक्षा के बारे में ये परिपत्रक है। इसमें वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, इन्होंने प्रश्न के क्या उत्तर दिए हैं ये हम देख रहे हैं। आठवां वेतन बिल्कुल लागू होने वाला है, इस अवसर पर ये हम पत्र देख रहे हैं। क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग CPC का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है? इसका जवाब है यहाँ पर दिए हुआ है उन्होंने, इसका जवाब है जी नहीं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, यदि हो हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है? इसमें इनका जवाब है, इसमें प्रश्न ही नहीं उठता, ये महत्वपूर्ण। तीसरा है, यह भी सच है कि सातवें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए, और यदि हाँ तो सातवें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण है? इसका वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने जवाब दिए है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेसित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा के बिना अवधि रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इस एक्रॉयड फार्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है कि जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तु के मूल्य परिवर्तनों के विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की ज़रूरत में शामिल होता है, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से यहाँ पर समीक्षा करता है। सुझाव कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय से कहा गया है, उत्तर मिला है कि आठवां वेतन जल्दी से जल्दी ही लागू होने वाला है।